पिछले से 18 से 20 FPS का गेम प्ले चल रहा था। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे बाप। सो आज है मेरे पास Realme 6 Pro। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि Realme 6 Pro का पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट करो 100 to 0% तक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ Realme 6 Pro 100 to 0% बैटरी ड्रेन टेस्ट। सो यहाँ पर Realme 6 Pro जितने भी देर यहाँ पर गेम प्ले होगा कंटिन्यूस, उसके अंदर कोई लैग या फिर कोई इशू या हीटिंग इशू ऐसा कुछ हमें प्रॉब्लम देखने मिलता है कि नहीं, फ्रेम में जिटर हो गया, फ्रेम में बग्स हो गए, फ्रेम चिपकना हो गया, ये जो भी चीज़ पबजी के अंदर इशू आती है वो सब चीज़ें हमें इस Realme 6 Pro में देखने मिलती है कि नहीं, वो सब हम यहाँ पर आपको बताएंगे। Realme 6 Pro के अंदर आता है 720G का प्रोसेसर और जो मेरे पास वेरिएंट है वो 6GB वाला वेरिएंट है और यहाँ पर इसकी प्राइस 16,000 के आसपास आपको देखने मिल जाएगी। GST इंक्रीज के बाद में यहाँ पर इनकी प्राइस में आपको 1,000 से 1,500 रुपये इंक्रीज भी देखने मिलेगा। और यहाँ पर इस फोन के अंदर आता है 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। पर यहाँ पर पबजी 90Hz पर चलेगा या नहीं चलेगा, अगर वो बात आपको जाननी है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, चेकआउट जरूर कर लेना। सो यहाँ पर जो सेटिंग्स होगी वो सभी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूं, जो फोन में बैटरी अभी 100% आपको देखने मिलती है और फोन का ओवरऑल जो टेम्परेचर अभी फिलहाल 32 डिग्री देखने मिलता है। अगर आपको मैं टेम्परेचर गन से भी बताऊं कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीन की टॉप की तरफ 29 डिग्री, 30 डिग्री के नियर बाय पकड़ सकते हैं और नीचे की तरफ आपको कुछ नॉर्मल 30 डिग्री और सेंटर की तरफ भी आपको कुछ नियर बाय 30 डिग्री के आसपास और पीछे की तरफ भी यहाँ पर हमें 30 डिग्री और सेंटर भी 30 डिग्री के नियर बाय और नीचे की तरफ भी यहाँ कुछ 31 डिग्री और मेरे जो रूम का टेम्परेचर वो हमें देखने मिलता है नियर बाय 27 डिग्री के नियर बाय। तो देखो यहाँ पर जो पबजी की हमें सेटिंग्स मिलती है वो आप 40 FPS की गेमिंग कर सकते हैं Realme 6 Pro के अंदर। तो यहाँ पर हम इनहेंस करेंगे और यहाँ पर हम GFX टूल का यूज़ करने वाले हैं जिसके अंदर हम इसे 60 FPS तक लेके जाएंगे और यहाँ पर 60 FPS की गेमिंग किस तरीके से होगी वो सभी भी आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। गेमिंग होने वाली है वो होने वाली है हमारे वाईफाई पे नहीं, हमारे 4G डेटा पर होगा। तो यहाँ पर सेटिंग्स को भी हम रन कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने Realme 6 Pro, Redmi Note 9 Pro, Samsung M31 के वीडियो बना चुका हूँ और साथ में अभी लेकर आने वाला हूँ Realme C3 के भी पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट का भी वीडियो हम लेकर आने वाले हैं। सो यहाँ पर Realme 6 Pro हमें जो देखने मिलता है इसके अंदर आती है 4300mAh की बैटरी और बॉक्स के अंदर हमें जो चार्जर मिलता है VOOC 30W का चार्जर हमें यहाँ पर देखने मिलता है। सो यहाँ पे 4300mAh की बैटरी कितना देर चलेगी वो भी हम यहाँ पर पता करेंगे और हीटिंग इशू वगैरह भी सब आपको यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर हम ग्राफिक्स में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं स्मूथ प्लस एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS की आप गेमिंग कर सकते हो Realme 6 Pro के अंदर अभी GFX टूल लगाने के बाद। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अल्ट्रा के अंदर गेमिंग देखने मिलेगी 40 FPS का आप गेम प्ले कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने बाकी अदर सेटिंग्स को ऑन नहीं किया था, हमने सिर्फ स्मूथ और एक्सट्रीम पर गेम प्ले करना है इसके लिए और बाकी सेटिंग्स भी आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग्स के अंदर मैंने जायरो को ऑलवेज ऑन करके रखा हुआ है और यहाँ पर सेंसिटिविटी है वो मैंने कस्टमाइज करके रखी है और यहाँ पर मेरी ये सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं जायरो की, वो मैंने यहाँ पर लगा के रखी है। तो यहाँ पर हमने टाइमर स्टार्ट कर लिया है। सो Realme 6 Pro के अंदर आपको 3.5mm जैक यहाँ पर देखने मिलता है और यहाँ पर इसका टाइप सी का पोर्ट आता है। तो अगर आप यहाँ पर इसे लगाते हैं और होता क्या है कि यहाँ पर ये अटकने लगेगा। सो मुझे इस तरीके से पसंद नहीं है और मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे एवरी वीडियो में कि मैं इस तरीके से खेलना पसंद करता हूँ। सो यहाँ पर इस वीडियो को रात के 8 बजे शूट करने बैठा हूँ और लेट्स सी यहाँ पर ये कितने बजे खत्म होता है वो हमें चेकआउट करेंगे। और गाइस यहाँ पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो के लिए जो लाइक का टारगेट है उसे कंप्लीट करना। सो आप लाइक का टारगेट जितना जल्दी कंप्लीट करोगे मैं Realme C3 का वीडियो भी उतनी जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो लाइक का टारगेट को मेक श्योर जरूर कंप्लीट कर देना। और गाइस यहाँ पर हमारा जो गेम प्ले होने वाला है क्लॉक के अंदर होने वाला है तो मल्टी टच में कोई इशू या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम आएगी वो भी यहाँ पर आपको मैं बताते रहूँगा। और यहाँ पर एक बात सही लग रही है कि Realme 6 Pro के ऊपर जो टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन गार्ड आता है वो यहाँ पर मैंने लगाया नहीं है तो स्क्रीन काफ़ी स्मूथ और मक्खन चल रही है। दस मिनट होने वाले हैं और मैंने एक टीडीएम का मैच खत्म कर लिया है और उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं है, आराम से चला, मक्खन चला। अभी यहाँ पर हम इरेंगल के मैचेस लगाएंगे और वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस निकल कर आएगा वो सब आपको मैं एक एक करके बताते रहूँगा।
बंदा और है वो लोग का। बंदे बंदे क्या कर रहा है देख, सीधा चढ़ा दिया अंदर। सो गाइस, यहाँ पर 32 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं PUBG गेम प्ले करते हुए। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं अभी क्या रिजल्ट आपको सामने आते हैं आधे घंटे के अंदर। सो यहाँ पर आप टॉप की तरफ देख सकते हैं टेम्परेचर आपको 42 डिग्री, सेंटर में आपको 42, 41 के 38, 40 के नियर बाय आ रहा है, और नीचे की तरफ से आपको कुछ 38 आ रहा है। और पीछे की तरफ से अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मुझे यहीं फील हो रहा है, तो 40 डिग्री के नियर बाय है। और यहाँ पर आधे घंटे के अंदर कितनी बैटरी ड्रॉप हुई है वो भी आप देख लीजिए। सो यहाँ पर आपको अभी फ़ोन के अंदर 88% बैटरी देखने मिल रही है। सो यहाँ पर अभी हम 1 आवर में चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट निकल कर आया, क्या बैटरी ड्रॉप हुआ, और वो सब चीज़ें बताऊंगा। और अभी तक जितना भी गेम प्ले किया है, कोई हैंग, कोई फ्रेम चिपकना अभी तक कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया है। निकला तो फक। सो गाइस, यहां पर 1 आवर 12 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं PUBG गेम प्ले को लेकर। और अभी आपको मैं थोड़े से रिजल्ट दिखाऊं। फोन हीटिंग जैसी पहली बात, तो यहां पर फोन मुझे हीट नहीं लग रहा है अभी जितना मैं, फिर भी अगर टेम्परेचर दिखा दूं तो 39-40 डिग्री के नियर बाय टॉप पर है। सेंटर की तरफ कुछ आपको 40 डिग्री और नीचे की तरफ भी आपको कुछ अराउंड 37-38 डिग्री के नियर बाय देखने मिलेगा। तो फोन हीटिंग जैसा तो नहीं लग रहा। और रही बात बैटरी ड्रॉप की, कितना अभी तक ड्रॉप हो चुका है 1 आवर 13 मिनट खेलते हुए, हमारा अभी गेम प्ले हो चुका है और 73% यहाँ पर बैटरी हमें देखने मिलती है। सो लेट्स सी और अभी कितना जाने वाला है। और फ्रेम ड्रॉप स्टिल अभी तक कुछ भी नहीं देखने मिला है, मस्त में आराम से चल रहा है 60 FPS के अंदर गेम प्ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथ एंड एक्सट्रीम पर हम गेम प्ले कर रहे हैं। और फोन पे आपको जो थोड़े से धब्बे देखने मिल रहे हैं वो पाउडर के धब्बे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में कभी कभी पसीना आता है तो यहाँ पर मैं इस जुगाड़ को यूज़ करता हूँ। आप लोग भी ऐसा जुगाड़ यूज़ करते कि नहीं करते प्लीज़ मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में जाके। सो गाइस, यहाँ पर 2 आवर 7 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं PUBG गेम प्ले को लेकर Realme 6 Pro के अंदर। और यहाँ पर अभी आपको मैं फोन का टेम्परेचर बताऊँ, ओवरऑल 41 डिग्री फोन का ओवरऑल टेम्परेचर आपको देखने मिलता है। और बैटरी परसेंट आप देख सकते हैं 52% अभी फिलहाल हुआ है। सो देखो गाइस, यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 आवर 35 मिनट्स हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जाके मुझे थोड़े से फ्रेम में अलग जिलेटर आ रहा है, लाइक अलग कहीं फ्रेम अटक जा रहा है, चिपक रहा है, वो सब थोड़ा सा हल्का सा मुझे प्रॉब्लम नज़र आया अभी तक तो। हालांकि वो इतना भी नहीं था, बट थोड़े बहुत प्रॉब्लम दिख के आ रहे थे यहाँ पर।
अरे रुक। सो गाइस, जैसे आपने वीडियो के बीच बीच में देखा रहेगा कि बहुत से सब्सक्राइबर का यहाँ पर मैंने कमेंट पिन किया था या फिर स्क्रीन पे शो किया था। सो अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से फीचर होना है, शाउट आउट लेना है, सो यहाँ पर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपका कमेंट कुछ अच्छा और पॉजिटिव रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उन्हें फीचर जरूर करूँगा। सो यहाँ पर अपने कमेंट करना ना भूलें। सो गाइस, यहाँ पर अभी 3 hours 31 minutes कंप्लीट हो चुके हैं। सो यहाँ पर आपको बताऊँ मैं, फोन की बैटरी आपको कितनी देखने मिलती है, 21% यहाँ पर आपको बैटरी देखने मिल रही है, जिसे आप दूर डाउन कर सकते हैं। इतना और देर और चलता है, क्या ये 4 hours के आगे चला जाएगा या फिर 4 hours के नीचे रह जाएगा, वो हमें चेकआउट करना है। सो गाइस, अभी तक मैंने 3.5 घंटे का गेम प्ले कर लिया है Realme 6 Pro के अंदर, और सच बताओ ना, इसके अंदर ना इतना हीटिंग का इशू नजर आ रहा है और ना ही मुझे इसमें फ्रेम ड्रॉप्स हो गया, हॉट ड्रॉप्स हो गया, ये दो इश्यूज है वो यहाँ पर मुझे एक बार भी नहीं दिखे हैं Realme 6 Pro के अंदर। तो ये काफी अच्छा चीज निकल कर आया। 720G का प्रोसेसर आता है इस फोन के अंदर। सो यहाँ पर Realme 6 Pro के अंदर काफी अच्छे से अभी तक तो PUBG का गेम प्ले चल रहा है। सो गाइस, यहाँ तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर प्लीज वीडियो को लाइक के टारगेट जरूर कंप्लीट करना, और साथ में और कौन से आपको फोन के वीडियोस चाहिए है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। Asus ROG 3 का भी आने वाला है, Realme C3 का भी आएगा, Poco X2 का भी वीडियो आने वाला है। सो इन सभी के वीडियो भी आपको बहुत ही जल्दी देखने मिलेंगे। तो गाइस, यहाँ पर 3 hours 57 minutes कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपको अभी मैं फ़ोन की बैटरी और टेम्परेचर दिखाऊं कितना हो रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11% फ़ोन की बैटरी है और यहाँ पर फ़ोन का ओवरऑल टेम्परेचर 41 degrees है। और मैं किसी भी हालत में कहूँ, फ़ोन किसी भी हालत में मुझे कहीं से भी हीट नहीं लग रहा है, आराम से और अच्छे से गेम प्ले हो रहा है। स्टार्ट में आप कह सकते हैं हल्का सा हीट हुआ था, बट उसके बाद में ये प्रॉपर काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और रही बात यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप वगैरह की, तो इसमें तो फिलहाल अभी तक तो मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, अच्छे से चला। एक आध दो माइनर हुआ था, बट वो नहीं काउंट करेंगे तो भी चलेगा। सो ओवरऑल अभी तक तो काफ़ी अच्छे से काम किया है। सो बचे हुए कुछ हम TDM मैचेस खेलेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि कितना और टाइम लगेगा फुल ख़त्म होने में। सो यहाँ पर गाइस, अभी 10% पर बैटरी आ चुकी है, और अभी हो क्या रहा है, फ्रेम में ग्लिचेस और ये सब आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि सो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ़ोन है ऑलमोस्ट यहाँ पर पावर सेविंग मोड के हिसाब से चले जाता है, तो परफॉर्मेंस टेन परसेंट के नीचे तो अगर जब आ जाती है बैटरी, तो यहाँ पर मैं इसे दोस्त तो नहीं दे सकता। सो इसी के साथ यहाँ पे 4 hours 4 minutes कंप्लीट हो रहे हैं, और अभी भी फोन के अंदर बैटरी है 9%। और अगर यहाँ पर आप TDM मैचेस ज्यादा खेलते हो तो यहाँ पर चांसेस है कि थोड़े से और ज्यादा आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा फोन के अंदर। यही हुआ मेरे Realme 6 के साथ, उसके अंदर मैंने TDM के मैचेस खेले ही नहीं, सीधा मैंने इरेंगल के मैचेस खेले, जिसकी वजह से वहां पर बैटरी बहुत ही जल्दी उतर गई। अगर उसके अंदर मैं कुछ TDM के मैचेस खेल लेता तो शायद यहाँ पर हमें उसके अंदर 10 से 20 मिनट एक्स्ट्रा बैटरी देखने मिल जाती Realme 6 के अंदर।
बैटरी लो हो चुकी है इसलिए 18-20 FPS का गेम प्ले चल रहा था। अरे भाई तो अभी तो उतरा ही। सो गाइस अभी फोन के अंदर सिर्फ 2% बैटरी बाकी है, अब देखते हैं और कितना टाइम लेता है। 4 hours 29 minutes हो चुके हैं अब तक करते हुए पबजी। और अब यहाँ पर 1% बैटरी बाकी है और देखते हैं अभी इसे उतरने में कितना टाइम लेता है। 4 hours 34 minutes हो रहे हैं। सो फाइनली Realme 6 Pro हमारा हो चुका है स्विच ऑफ, भी स्टॉप कर दिया है। 4 hours 38 minutes तक हमारा PUBG का गेम प्ले हुआ 100-0% बैटरी ड्रेन होने में। सो जब 4 hours something हो रहा था तो वहाँ पर अगर मैं एक और इरेंगल का मैच ले लेता तो ये इतना नहीं पहुँच पाता था। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 hours 10 minutes के अंदर ही स्विच ऑफ हो जाता था आराम से, क्योंकि TDM के मैचेस और बाकी जो दूसरे और मैंने क्विक मैच लिया था तो उसमें होता क्या कि इतनी बैटरी ड्रेन नहीं हो पाती जितना इरेंगल के फुल मैचेस में होती है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर 4 hours 38 minutes तक हमने PUBG का गेम प्ले किया, Realme 6 Pro के अंदर 100% बैटरी थी उसे हम 0% तक लेकर आए। तो यहाँ पर मेरा फाइनल ओपिनियन और फाइनल रिव्यू दूँ Realme 6 Pro के लिए। सो देखो यहाँ पर 98% टाइम फोन आपका मस्त में चलेगा। सो यहाँ पर जैसे मैंने 4.5 घंटे की गेमिंग की है उसके अंदर इरेंगल के मैचेस में हॉट ड्रॉप और ऐसी चीज़ें बहुत ही कम देखने मिली, लाइक 1-2 बार ही लिटरली हुई रहेगी, उसे ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो Realme 6 Pro काफ़ी अच्छा डिवाइस है फॉर PUBG गेम प्ले के लिए, तो इसकी तरफ अगर आप जाना चाहते तो जा सकते थे। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो के लाइक का टारगेट को जरूर कंप्लीट करना। जैसे मैंने बताया Realme C3 का भी हम एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, Asus ROG 2 का, उसके बाद Poco X2 का भी हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो मेक श्योर वीडियो के लाइक के टारगेट को जरूर कंप्लीट करना है आप सभी को। जैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुपर कमेंटर बनना है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कुछ अच्छा पॉजिटिव कमेंट भी करना, तो ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर फीचर हो सकेंगे। सो गाइस यहाँ पर मैं मिलता रहूंगा और भी फ्यूचर में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो दोस्तों आज की इस तक की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।